नंबर सात देखिए, एक अनुभेदन सिक्के को चार बार उछाला जाता है और एक व्यक्ति प्रत्येक चित्र पर एक रुपए जीतता है और प्रत्येक पट पर 1.5 रुपए हारता है। इस परीक्षण को प्रतिदर्श समिष्टि के से ज्ञात कीजिए कि आप चार उछालों में कितने विभिन्न राशियां प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही इस राशि के प्रत्येक की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। समझिए, हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं, चार बार उछाला जाता है तो हो सकता है कि व्यक्ति जो है तीन बार जीत जाए, है ना जी, या चारों बार जीते। पहले चारों बार से लेते हैं, माना व्यक्ति चार बार जीतता है, चार बार जीतता है तो क्या हो जाएगा, चार बार जीतता है तो उसे प्राप्त राशि क्या हो जाएगी, तो 1 रुपया मिल रहा है एक बार जीतने पर, 1 × 4 रुपया 4 रुपया हो जाएगा। अच्छा, यदि व्यक्ति तीन बार जीते तो प्राप्त राशि क्या हो जाएगी, तो तीन बार जीतेगा तो 3 रुपया इसको मिलेगा और हारेगा तो इसको 1.5 रुपया, एक बार हारेगा ना जी तो 1.5 रुपये से लौटाना भी पड़ेगा, यानी कि 1.5 रुपया ही लाभ होगा। ठीक है, यदि व्यक्ति दो बार जीते तो क्या हो जाएगा, प्राप्त राशि दो बार जीतेगा तो 2 रुपया इसको मिलेगा और यह हार रहा है, दो बार जीत रहा है तो दो बार हार भी तो रहा है ना जी, तो यहाँ 1.5 गुना 3 रुपये यानी कि -1 रुपया, यानी कहने का मतलब 1 रुपये का हानि होगा, माइनस में देने का मतलब यही है। यदि व्यक्ति एक बार जीते तो प्राप्त राशि क्या हो जाएगी, एक बार जीतेगा तो 1 रुपया इसको मिलेगा और तीन बार हारेगा ना, इसका मतलब यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 में से 4.5 रुपये घटा देंगे यानी कि 3.5 रुपये। ठीक है, अच्छा, यदि व्यक्ति 0 बार जीते यानी कि हर एक बार हार गया तो प्राप्त राशि की बात करेंगे तो प्राप्त राशि जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0 बार जीत रहा है यानी कि 0 × 1 रुपये और फिर घटा देंगे इसमें से 4 बार हारेगा यानी कि -6 रुपये, यानी कहने का सिक्के को हम लोग 4 बार उछाल लेते हैं, लिख सकते हैं कि सिक्के को 4 बार उछालने पर, 4 बार उछालने पर क्या हो जाएगा, संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं आपका, हो सकता है यहाँ पर head, head, tail, head, tail, head, head, tail, head, head, या फिर head, head, tail, head, tail, head, tail, head, tail, फिर उसके बाद हो जाएगा tail, head, tail, head, या फिर आपका हो सकता है tail, head, head, tail, या फिर हो सकता है आपका head, tail, tail, head, है ना, और फिर उसके बाद आपका head, tail, 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 head, tail, tail, फिर उसके बाद हो जाएगा tail, tail, head, tail, फिर उसके बाद tail, 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 head, और फिर इसके बाद tail, 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 ये आपके कितने हुए, 4, 3, 7, 3, 10, 3, 13, 13, 3, 16, ये टोटल 16 परिणाम हो रहा है। ठीक है, टोटल 16 परिणाम हो रहा है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए हमें प्रायिकता निकालनी है। पहले क्या था जी, 4 रुपये जीता है ना जी, 4 रुपये जीतना, 4 रुपये जीतना,
तो 4 रुपये जीतने की बात करें तो 4 बार हेड किस में आया है, यहीं पर आया है जी, 1 और बट्टा में टोटल 16। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद 4 रुपये के बाद है 1.5 रुपये ना, 1.5 रुपये जीतना, ठीक है, 1.5 रुपये जीतना, 1.5 रुपये जीतना। 1.5 रुपये कब जीतता है, जब 3 बार क्या आया है, 3 बार हेड आया है, 3 बार जीतता है, यानी कि 3 बार हेड आया होगा, तो 3 बार हेड आया है, तो 3 बार हेड आया है, तो 1, 2, 3, 4 ये ना हो जाएंगे, चलिए, तो 4 और बट्टा में टोटल 16 कट जाएगा, 1 बट्टा में 4 यहाँ पर इसकी प्रायिकता आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या है, 1 रुपये हानि हुई है, ठीक है, 1 रुपये की हानि, 1 रुपये हानि है ना जी, 1 रुपये की हानि हुई है तो क्या होगा, तो 1 रुपये की हानि, 1 रुपये की हानि यहाँ पे देखिए कब हुआ है, 1 रुपये का हानि 2 बार जीतने पर, यानी कि 2 हेड पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो रहे हैं, तो 6 और बट्टा में आपका हो जाएगा 16, 3 और बट्टा में 8 इसकी प्रायिकता आ गई। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, 1 रुपये जीतने के बाद, 1 रुपये जीतने के बाद 3.5 रुपये, 1 रुपये हानि के बाद 3.5 रुपये की हानि, 3.50 रुपये इतने की हानि हो, माइनस में है ना जी, तो 3 रुपये की हानि कहने का मतलब का, तो 3 रुपये की हानि, 3.50 रुपये की हानि कब हो रही है, तो 3.50 रुपये की हानि 1 बार जीते हुए, यानी कि सिर्फ 1 ही बार हेड आया होगा, तो 1, 2, 3, 4 तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 और बट्टा में 16, 4×4=16, 1/4 इसकी प्रायिकता हो गई। और फिर उसके बाद 6 रुपये हानि, तो 6 रुपये हानि कब हुई है, तो 6 रुपये हानि देखिए क्या कह रहा है, 6 रुपये हानि होने का मतलब 1 भी बार नहीं जीता है, यानी कि हर एक बार टेल ही आया है, तो 1/16 इसकी प्रायिकता हो गई। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में आपके यह प्रायिकता तो निकालनी थी, साथ में यही कह रहा था कि 4 उछालों में कितनी विभिन्न राशियां प्राप्त हो सकती है ये हमें बताना था, तो हमने ऊपर तो दिखाई दिया ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि विभिन्न विभिन्न राशियां क्या क्या हो सकती है, तो पहले तो 4 रुपये लाभ, फिर उसके बाद क्या था, 1.50 रुपये लाभ, फिर उसके बाद 1 रुपये हानि, फिर उसके बाद 3.50 रुपये हानि, फिर उसके बाद आपका 6 रुपये हानि, 6 रुपये हानि। तो ये ना आपके जो टोटल मैंने यहाँ पे दिखा दिया किन किन राशियों को हमने लिखा था, क्वेश्चन नंबर